गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 से पहले उसकी इंट्रोडक्शन में आज आपको बताने जा रही हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपका टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट मीन मेन सेट और एक और सेट है, लाइक आपके पास टू सेट्स हैं। ये साइन है आपके पास, आप देख सकते हैं, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, ए इज सबसेट ऑफ बी। इट मीन्स ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बी भी ए का सबसेट हो, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो, और बी में अगर कुछ एक्स्ट्रा भी हैं तो वो चलेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल है बुक में, लेट एक्स सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल एंड वाई सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो जिस क्लास, जो आपकी क्लास है वो भी तो स्कूल का ही पार्ट है, तो एक्स तो हो गया पूरा का पूरा स्कूल और वाई हो गया आपकी क्लास। तो अगर आपकी क्लास के स्टूडेंट्स भी पूरे स्कूल का पार्ट है तो आप क्या लिखेंगे, वाई जो है वो सबसेट है एक्स का। एक्स सबसेट नहीं है, वाई का जो पार्ट है पूरा का पूरा पार्ट वो एक्स में है, लेकिन एक्स के अंदर और भी चीज़ें हैं, एक्स के अंदर और भी क्लासेज हैं, सिर्फ एक क्लास नहीं है। लेट्स सपोज वाई इलेवेंथ क्लास आपकी और एक्स जो है पूरा का पूरा स्कूल है, तो आपकी क्लास एक्स का पार्ट है, पूरे स्कूल का पार्ट है, लेकिन स्कूल के अंदर और भी क्लासेज हैं। तो आप कहेंगे y इज़ अ सबसेट ऑफ x। तो अब जब सबसेट ना हो, जैसे हम इक्वल ये होता है एंड नॉट इक्वल में हम इस तरीके से एक लाइन लगा देते हैं, वैसे ही अगर आपने लिखना हो कि y सबसेट नहीं है x का, तो आप इस तरीके से लाइन लगा के लिखेंगे y इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ x, लगा के लिखेंगे y इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ x, ये होता है। नाउ अगर हम कहें कि a सबसेट है b का एंड b सबसेट है ए का, अगर हमने ये चीज़ लिखी, तो ये कब पॉसिबल है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं। तो ये तब पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी। तो अभी जो मैंने आपको एक लाइन बोली, इफ एंड ओनली इफ, तो मतलब ये तभी पॉसिबल है अगर ऐसा हो तो। तो ये इस पूरे को लिखने की एक शॉर्टकट है हमारे पास, यहाँ पे मैथ्स की ट्रिक है, दैट इज IFF। तो जो IFF है इसको पढ़ते हैं हम इफ एंड ओनली इफ, लिखेंगे हम इसको IFF और बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ। सो ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी। सो हियर सिंस द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, ये एम्प्टी सेट है, साइन है एम्प्टी सेट का, वी अग्री टू से दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि ये जो है ये हर एक सेट का जो है वो सबसेट रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई सेट है 1, 2, 3, 4 और आपको बोला जाए कि इसके सारे सबसेट्स लिखो, इसके सारे एलिमेंट्स लिखो, तो उसमें आप नल सेट भी लिखेंगे कि एक पॉइंट पे एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे जाके ख़त्म हो के इसमें कोई भी एस जो है एलिमेंट नहीं है, तो आप ये भी लिखेंगे कि ये जो है ये आपके पास ये हर एक सेट का सबसेट है ही है, ये हर सेट में होता ही होता है, मतलब नल सेट आपका हर सेट में होगा ही होगा। तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं, स्टार्टिंग वाले कुछ क्वेश्चंस आपके इसी तरीके के रहेंगे। देखिए यहाँ पे, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और सबसेट नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो आपको यहाँ पे चेक करना है 2, 3, 4, यहाँ पे आ रहा है 2, 3, 4, तो यहाँ पे आएगा सबसेट है, तो सबसेट का साइन ए बी सी, यहाँ पे देख सकते हैं आप ए नहीं है, तो यहाँ आएगा सबसेट नॉट का साइन। इस तरीके से आपको इसकी स्टेटमेंट्स रीड आउट करके आपको चेक करना है कि आपकी लेफ्ट वाली साइड राइट साइड का सबसेट है या नहीं है, तो वो आपने चेकआउट करना है। नाउ हियर एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे सबसेट और सबसेट नॉट के साइन लगे हुए हैं, आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। देखिए ए बी, यहाँ पे ए बी और बी बी है, लेकिन साइन लगा हुआ है सबसेट नॉट का, तो ये फॉल्स हुआ। नाउ ए ई, एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो एक्स के अंदर जो वॉवल्स हैं आपके वो ए ई आई ई, एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो एक्स के अंदर जो वॉवल्स हैं आपके वो ए ई आई ओ यू होता है, तो ए ई तो होता ही है, यहाँ पे सबसेट लिखा है तो ये ट्रू है कि ये इसका सबसेट है। नाउ हियर 1, 2, 3 सबसेट है 1, 3, 5 का, यहाँ पे जो है 2 है जो इस साइड नहीं है, तो ये पूरा का पूरा इसका सबसेट नहीं हुआ, तो ये फॉल्स हो गया। इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेम यहाँ है आपके पास आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए, ये सब ये आपको दे रखा है ए, देखिए ये पूरा एक सेट है और उसके उसका एक सबसेट अलग से कर रखा है 3 और 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टेड एंड वाई, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे 3, 4 सबसेट है ए का,
थ्री फोर एलिमेंट है ए का, थ्री फोर सबसेट है ए का, सबसेट और ये डबल करके लिखा हुआ है, ये आपको चेकआउट करना है और इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और क्यों है और कौन सी करेक्ट है।